आज मैंने एक अलग ही चैलेंज ले लिया है और चैलेंज ये है कि आज की वीडियो में हम जितने भी जवान पैरा स्पेशल फोर्सेस में ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्टेप वन है पंगा ले लिया। अब पंगा नंबर टू लास्ट है सर। अब हर साल लाखों बच्चे इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब मुझे पता चल रहा है कि 90% फेलियर रेट क्यों है सर। 53 सेकंड 31। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बॉडी बिल्डर रनिंग नहीं कर सकते। आज देखते हैं लास्ट दो सर। अगर 10,000 कमेंट पूरे हो गए तो मैं एक दिन के लिए पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग भी ट्राई करूंगा, जैसे कि हम ये टेस्ट ट्राई कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मेरे अंदर इतनी देशभक्ति कहां से आ गई, बट ये देशभक्ति 365 दिन 2400 घंटे रहती है। खिलाड़ी हूँ, देश को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो बहुत अच्छे से इस बात को जानता हूँ। पर आज मैंने एक अलग ही चैलेंज ले लिया है और चैलेंज ये है कि आज की वीडियो में हम जितने भी जवान पैरा स्पेशल फोर्सेज में ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्टेप वन है। मीन्स उनको एक फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिस टेस्ट को मैं आज यहाँ पे करके देखने वाला हूँ। पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं, बट लेट्स गिव अ ट्राई। करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ टेस्ट है क्या। सबसे पहले आपको 20 मिनट में 5 किलोमीटर रन करना है, उसके बाद 14 पुलअप्स करने हैं, दैट टू ऑन काउंट। उसके बाद 1 मिनट में आपको 40 पुशअप्स करने हैं, उसके बाद आपको 80 सिटअप्स करने हैं 2 मिनट के अंदर अंदर, और लास्ट में आपको करना है शटल रन। और करने से पहले मैं सभी जवानों को सैल्यूट करना चाहता हूँ, और क्योंकि हमें टाइम नोट करने के लिए, काउंट के लिए, और मैं कोई चीटिंग ना करूं किसी की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे साथ है मिस्टर सुजीत जो इस वीडियो में हमारा साथ देंगे। तो इस टेस्ट को करते हैं, बट बिफोर दैट सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग, आइए शुरू करते हैं। तो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू आर इंडियन आर्मी। ये 400 मीटर का ट्रैक है और मुझे 20 मिनट में 12.5 राउंड भागने पड़ेंगे, तो शुरू करते हैं। और मेरा टाइमर ऑन करना सुजीत, गो। चलो मैं भाग लेता हूँ ठीक ठाक। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बॉडी बिल्डर रनिंग नहीं कर सकते, आज देखते हैं। और मुझे हर राउंड का ट्रैक रखना पड़ेगा सो दैट मैं अपनी स्पीड जो है अकॉर्डिंगली डिसाइड कर पाऊँ। सांस तो मुझे भी चढ़ने लगा है, अभी तो पहला ही राउंड है। लेट्स डू इट, कम ऑन। जब बात हो अपने वीर जवानों की तो कैसे रुक सकता है कोई। सो ये मेरा है पंगा टू, रुक नहीं सकते। ओह चलो चलो चलो, देखो मैं आप सभी लोगों के लिए रियल कंटेंट बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि बस दिखा दिया। करूँगा सात राउंड हो गया मेरे, कितना टाइम हो गया? 18.5 मिनट। 18.5 सर, तेज भागो। बहुत तेज भागना पड़ेगा। देश के जवानों की बात है, पंगा ले लिया। अब पंगा नंबर टू, इससे पहले वीडियो में पंगा लिया था। कमान सर, देखो ऐसा है कि आप टेस्ट ऑलरेडी फेल कर चुके हो। हाँ 20 मिनट पार हो चुके हैं। 20 मिनट हो गए हैं, कोई नहीं 5 किलोमीटर तो करो। 18.5 मिनट में आपने साथ किए, 20 मिनट में आपका 8वां था। सो मैं फेल तो हो चुका हूँ, बट टाइम छोड़ो, मैं पूरे 12.5 राउंड पूरे करूँगा, फिर चाहे टाइम कितना भी लग जाए, स्पिरिट तो दिखनी चाहिए ना। टाइम ज़्यादा लग सकता है बट हार नहीं मान सकते। कैमरामैन हमारा पीछे रह जाता है। इस फिजिकल टेस्ट का 90% जो है वो फेलियर रेट है। अब मुझे पता चल रहा है 90% फेलियर रेट क्यों है। 10, 11, 12 सर आधा हुआ। और सोचो ये तो फिजिकल टेस्ट का स्टेप वन है, अभी पूरा फिजिकल टेस्ट बचा है, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, फिर रिटर्न होगा, और रिटर्न के बाद पूरी ट्रेनिंग। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। तो ऐसे ही कोई जवान तैयार नहीं होता, बट ये सब करने के बाद भी हर जवान का भारत के प्रति जो जज्बा होता है ना, वो एक्चुअली उसको
ऑफिसर बनाता। बस खत्म होने वाला है। स्टॉप। और बहुत तेज धूप भी हो गई है। 38 मिनट 25 सेकंड में मैंने 5 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए। तो बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो होंगे पुल अप्स। तो मैं अब स्टेप 2 करूँगा जहाँ पे मुझे 14 चिन अप करने हैं अप डाउन काउंट पे। और हाइट के हिसाब से मैंने ये ड्रम लगा लिया नीचे ना, एक बार मैं ऊपर आ जाऊँ। अप डाउन अप डाउन दो अप। डाउन सात अप डाउन आठ। डाउन 12 अप डाउन 13 लास्ट है सर अप। अरे तो 13 ड्रम लगाओ, पूरा करना है मेरे को 14। एक तो बचा है सर, जल्दी जल्दी जल्दी। फेल तो देखो हो चुके होगे, छोड़ते नहीं है। कोई बात नहीं, स्पिरिट अप डाउन। अरे डाउन बोलो। 14 डन, मैंने 14 कर लिए बट एक्चुअली 13 करे और फिर मैं गिर गया, बट कंप्लीट करना था। टाइम ज़्यादा ना लेते हुए तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पुशअप्स। 1 मिनट में 40 करने हैं। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं कि मुझे 1 मिनट में 40 पुशअप्स करने हैं। और आप सब लोगों ने देख लिया ग्रिप हाथों से छूट रही थी चिनअप में, रनिंग हमने 38 मिनट में करी। बट हर साल लाखों बच्चे इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं जिसमें से 90% फेलियर रेट है, सो 10% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। और मैं तो सिर्फ करने का प्रयास कर रहा हूँ एंड लेट्स सी कितना कर पाऊँगा, बट पूरा ज़रूर ख़त्म करूँगा। सर आप पोजीशन ले लो। हाँ मैं टाइमर ऑन कर रहा हूँ, 1 मिनट 40 पुशअप्स। एक सेकेंड, बट मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ तो मैं सबसे क्षमा चाहूँगा। 3 2 एंड गो। काउंट 3 4 14 15 16 17 35 10 seconds 36 37 38 3 2 39 and 1 stop time up 40 almost na मैंने 1 मिनट में कर लिए थे। हाँ वो स्टॉप करने में टाइम हो गया। सो 1 मिनट में 40 कर लिए। आप सभी लोग बस मेरी हौसला अफजाई के लिए एक काम करो, कमेंट बॉक्स में जाओ और जय हिंद लिखो। अगर 10,000 कमेंट पूरे हो गए तो मैं 1 दिन के लिए पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग भी ट्राई करूँगा, जैसे कि हम ये टेस्ट ट्राई कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है बट करना है, बट थोड़ा सा मोटिवेशन आप सभी लोगों की तरफ से मुझे चाहिए। और मैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ूँगा जहाँ पर मैं 2 मिनट में 80 सेटअप्स करूँगा। तो अब बारी है सेटअप्स की, 2 मिनट में 80 सेटअप्स करने हैं आपको। 10 बज रहे हैं और मेरे सिर पे सूरज है इस टाइम, बट चलो करते हैं। हाँ मुझे अलर्ट करते रहना, देखना मैं कितने कर पाता हूँ। चलो बट मैं 80 पूरे करूँगा, चाहे टाइम ज़्यादा ले लूँ। ठीक है चलो 3 2 एंड गो। 1 2 21 भारत माता की जय। 23 अब मुझे पता चल रहा है कि 90% फेलियर रेट क्यों है। सर 53 सेकंड 31 हुए हैं अभी, सिर्फ 80 करेंगे। 53 53 80 करूंगा पूरे, कोई नहीं टाइम ज्यादा। 1 मिनट 40 सेकंड 79 लास्ट 80 टाइम कितना? 2 मिनट्स 53 सेकंड्स। चक्कर आ गया मेरे को। सो 2 मिनट 53 सेकंड में मैंने करे 80 रेपिटेशन जिसमें बीच में मुझे रुकना पड़ा। और बट हाँ ये है कि ये हम वीडियो में कर रहे हैं और वहाँ एक्चुअल जब आपका टेस्ट होता है तो आपके इमोशन डिफरेंट तरीके के होते हैं और आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो इस टेस्ट के लिए, तो मोटिवेशन थोड़ा ज़्यादा रहता होगा। पर मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ
इसी के साथ हम लास्ट स्टेप पे बढ़ेंगे जहाँ पे मुझे करना है, क्या करना था लास्ट में? शटल रन। लास्ट स्टेप हम करेंगे MTR शटल 1 मिनट में 17 बार। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली आपको 2 कॉन लगाने ऐसे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 5 मीटर, ठीक है? आपको ये टच करना है एंड देन अपोजिट हैंड टच करना है, ठीक है? 1 मिनट में 17। 3, 2 एंड गो। मुश्किल है यार ये बहुत। 7, 17 तो बहुत डिफिकल्ट है। टाइम अप। कोई नहीं, 13 15 लास्ट 2000 16 लास्ट 1 एंड 17। हाँ, कितने मिनट? 1 मिनट 24 सेकंड। हाँ, रेस्ट दो। वैसे तो सब कुछ ही मुश्किल था, बट शटल रन तो बहुत मुश्किल थी। वो लगा ऐसा कि 5 मीटर है, फटाफट कर लेंगे, बट वो एक्चुअली जब एक ही डायरेक्शन में भागना पड़ता ना आपको, बट एनीवे मुश्किल था। मैंने टाइम ज़्यादा लिया होगा, बट एटलीस्ट मैंने पूरा कर लिया। बट मुझसे गलतियाँ सलतियाँ हुई होंगी, उसके लिए मैं पहले से ही हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। तो ज़्यादा जजमेंटल मत होना, जस्ट कि मुझे था बड़े दिन से कि एक बनाते हैं। बट आप सभी लोग वो 10,000 कमेंट जय हिंद के वीडियो के नीचे करो, बहुत मोटिवेशन मिलेगा मुझे। और आप में से जो लोग भी इसको ट्राई करेंगे, ट्राई करना। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा। बट खड़ा होके मैं सभी को, जितने भी हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी के जवान हैं, या जितने भी बॉर्डर पे हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, जितनी भी फोर्सेज हैं, सभी को सैल्यूट है मेरी तरफ से एंड हैट्स ऑफ। आप हो तो हम हैं, पूरा देश है। तो मैं आप सभी लोगों से आज्ञा चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, नमस्ते।